हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एसक्यूएल व्यू के अंदर जब आप टेबल बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूं ये कैसे आप बनाएंगे। और ये 2007 है और इसमें आपको बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, जैसा कि मैंने भी अनुभव किया है इसमें। तो यहां से ब्लैंक डेटाबेस पे जाना है और ये जो आपको दिख रहा है ये डेटाबेस का नाम आ रहा है। आप चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं, बगल में इसका एक्सटेंशन आपको दिख ही रहा होगा .accdb, ये इसका एक्सटेंशन है। यहाँ पर मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद इसे ऑफ कर दूंगा, ये जो टेबल है इसे ऑफ करूंगा। और यहाँ से जब जाएंगे ना ये क्वेरी डिजाइन पर, तो आपको मिलता है यहाँ पे SQL। जब इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ SQL मिलता है। और जब इस SQL पर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप टेबल बनाने के लिए कोडिंग करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं क्रिएट टेबल, फिर आप टेबल बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए टेबल आपको बनाना है एम्प्लॉय के नाम से, तो यहाँ पे EMPL जो भी एम्प्लॉय का नाम होता है वो एम्प्लॉय कर दिया हमने। टी सिंबल है कि ये हम क्या बना रहे हैं, टेबल बना रहे हैं, तो ये सब हमने दे दिया है। ठीक है, देख सकते हैं ना। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है कि यहां पे एम्प्लॉय का आईडी लिखना है, तो यहां पे एम्प्लॉय और अंडरस्कोर आईडी कर देते हैं। ठीक है, और यहां पे इसका डेटा टाइप मेंशन कर देते हैं, इंट है जो भी है। यहां पे डेटा टाइप आप मेंशन करते हैं और यहां दे देते हैं प्राइमरी की नॉट नल। प्राइमरी की का मतलब है कि ये खाली, नॉट नल का मतलब है कि आप इसे खाली नहीं छोड़ सकते। ठीक है, और प्राइमरी की का मतलब है कि ये यूनिक वैल्यू कंटेन करेगा, ये तो सब पहले ही बता चुका हूं मैं। यहां पर नेम ऑफ एम्प्लॉय आप लिखते हैं, नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर एम्प्लॉय। अभी देखिएगा ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आती है, जरूर आती है, क्योंकि यहां पर जब आप कोडिंग करते हैं तो ये दिक्कत तो आनी ही आनी है, जैसे कि मैं भी इस दिक्कत को फेस कर चुका हूं। तो यहां पे इनकी सैलरी की बात आती है, तो यहां पे मैं इसे फ्लोट रख देता हूं, फ्लोट। ठीक है, हालांकि आप डबल भी रख सकते हैं, यहां पे एक डबल डेटा टाइप भी मिल जाता है आपको और आप यहां पे डबल भी रख सकते हैं। तो यहां पे ये कर दिया। अब मान लीजिए ये टेबल, तो यहां पे ये सेमी कॉलन लगा दिया है, अब ये टेबल बन जाएगी जैसे ही हम रन पे क्लिक करेंगे, तो ये टेबल बन गई है। अब आप देख पाएंगे कि यहां पर एम्प्लॉई आईडी आ रहा है। और एक्सेस में अच्छी बात ये है कि यहां पे टेबल बन जाता है, आप सीधा यहां पे एंट्री पास कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर किसी का एम्प्लॉई आईडी है EM01, तो यहाँ EM01 लिखा और जैसे EM01 लिखते हैं, तो अभी देखिए यहाँ पर चूंकि हमने इंटीजर दिया हुआ है तो यहाँ पे इंटीजर ही सपोर्ट करेगा, टेक्स्ट तो सपोर्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 1 कर देते हैं और यहाँ पे मान लीजिए पहले एम्प्लॉय का नाम है रमेश, तो ये नाम हमने लिख दिया। इनकी सैलरी है यहाँ पे 20,000, तो यहाँ पे 20,000 डाल देते हैं, तो ये 20,000 हो गया। ठीक है, और अब जैसे ही नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो इंक्रीमेंट होता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट यानी कि खुद ये इंक्रीमेंट करे, जबकि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे नॉर्मली जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो इंक्रीमेंट की सुविधा मिलती है। जैसे यहाँ पे गए, टेबल बनाया, अब ये मान लीजिए हो गया एम्प्लॉई आईडी, और जैसे ही आप देखेंगे ना यहाँ पर, तो बगल में ऑटो नंबर आ रहा है, तो ये तो खुद ब खुद ऑटो इंक्रीमेंट करता चलेगा, लेकिन वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आए एम्प्लॉई नेम आ गया, तो अब देखिए यहाँ पर एक्सेस में सीधा काम करेंगे आप एसक्यूएल व्यू में ना जाकर के, तो यहां पर ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा लेकिन वहां पर ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होता है। ठीक है, और आप बात करें MySQL की या SQL सर्वर की, तो उसमें भी आप ऑटो इंक्रीमेंट नहीं कर पाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम फेस आती है। तो यहां देखिए राम किया और जैसे यहां पे आते हैं दूसरा नाम लिखने की कोशिश करते हैं, यहां देखिए ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि यहां पर चेंज हो रहा है, ये देख लीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पर क्वेरी के अंदर यहां पर ये चेंज नहीं हो रहा है, तो कैसे चेंज होगा और क्या कोड लिखे कि ये चेंज भी होता रहे, इसके लिए समझना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर आपको कोड क्या लिखना है वो बता देता हूं। देखिए आपने सब कुछ लिखा है, ठीक है, यहां पर आप खाली एक चेंजेस कर दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखिएगा, यहां पे लिख दीजिएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ये डेटा टाइप मेंशन जैसे ही आपने किया है, जैसे आपको डेटा टाइप तो यहां दिख ही रहा है। ठीक है, तो डेटा टाइप लिखने के पहले आप यहां लिख दीजिएगा ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट जैसे ही लिखेंगे तो यहां पे ये ऑटो इंक्रीमेंट करता चलेगा। ठीक है, ये ऑटो इंक्रीमेंट लिख दिया, अब ये ऑटो इंक्रीमेंट करता चलेगा। ठीक है ना, तो देखिए एक बार इसको फिर से दोबारा से चलाएंगे हम। ठीक है, और देखेंगे कि ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा है या नहीं। तो ये तो फिलहाल एम्प्लॉई टी नाम से टेबल बनी हुई है, इसको हम डिलीट करेंगे। पहले तो ये टेबल जो आया हुआ है इसे क्लोज करते हैं, ये टेबल जो बनी हुई है, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट करवाएंगे। तो अभी इसको भी डिलीट करना जरूरी है, क्योंकि ये तो टेबल ऑलरेडी बन गया है, तो कहेगा डुप्लीकेट एंट्री कहेगा, तो इसीलिए मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से ये डिलीट कर दिया हमने, अब इसी कोड को दोबारा से रन करवाते हैं। ठीक है, कोड दिख ही रहा है आपको, अब यहाँ से इसे रन करवाएंगे तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर सिंटैक्स एरर आ रहा है। यहाँ पे तो यहाँ से आप एक काम करिए, ये इंट हटा दीजिए, और इंट हटा देंगे तो ये ऑटो इंक्रीमेंट करता चलेगा अपने आप। ठीक है, तो यहाँ पे गए और यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पर ये टेबल बनकर के तैयार हो गई। देखिए
यहाँ पे एम्प्लॉय टी नाम से टेबल बन गई है। अब हम जरा यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ऑटो इंक्रीमेंट लिखा है तो इसका परिणाम क्या आया, इससे फायदा क्या हुआ, ये देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ राम, ठीक है। जैसे ही राम लिखा तो यहाँ पे वन आने लगा और यहाँ पे सैलरी इनकी है 15,000 रुपए, तो यहाँ 15,000 डाल देते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं, दूसरा एम्प्लॉय का नाम है श्याम, तो देखिए जैसे ही श्याम किया हमने तो यहाँ पर जो है अपने आप इंक्रीमेंट हो रहा है, आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी सैलरी इनकी ये डाल दिया तो ये इंक्रीमेंट करता चल रहा है। फिर यहाँ पे देखिए अगला नाम ईशा लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जो भी इनकी सैलरी है वो ऑलरेडी ये इंक्रीमेंट खुद का खुद करता चल रहा है, हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए ये ऑटो इंक्रीमेंट इसे कहते हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर आप करेंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सीधा सीधा जाकर के क्वेरी बनाते हैं और क्वेरी बनाने के बाद यहाँ पर देखिए ये क्वेरी मैं बना के दिखाता हूँ आपको, अगर सीधा करेंगे तो नहीं होगा। जैसे मैंने दिखाया पहले कि यहाँ पर अगर मान लीजिए आपने आईडी ही लिख दिए, चलिए ठीक है, यहाँ पे आईडी ही मैं लिख देता हूँ, ये आईडी लिख दिया हमने और आईडी का डेटा टाइप आपने इंट दे दिया, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट ना देकर के इंट दे दिया, तो फिर ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे नेम दे दिया, अब मान लीजिए कि ये इस तरीके से करना है और यहाँ पे जो कमांड आप लिखते हैं क्रिएट, वो कमांड लिख दीजिए क्रिएट टेबल, ठीक है, और इसका नाम मैंने टेबल वन ही दे दिया मान लीजिए, और ये ब्रैकेट को ओपन कर लिया। और यहाँ पर अब मान लीजिए और कुछ नहीं देना है तो यहाँ पे कैर वैर कर जो भी देना है डेटा टाइप दे करके और इसको बंद करके और फिर यहाँ से टर्मिनेट कर दिया। और जैसे टर्मिनेट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये कह रहा है टेबल वन ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम यहाँ पे किसी और नाम से कर लेते हैं, टेबल वन के नाम से नहीं बनाते, टेबल 11 कर लेते हैं कुछ भी इस तरीके से। और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए टेबल 11 क्रिएट हो गया है, लेकिन क्या ये ऑटो इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे तो कुछ आ ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे अगर हम वन डाल दें, यहाँ पे राम डाल दें नाम, तो यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट नहीं होगा। लेकिन यही चीज जब ऑटो इंक्रीमेंट आप लिख देंगे तो ऑटो इंक्रीमेंट होने लगेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ पूरी बात समझ में आ गई होगी कि ऑटो इंक्रीमेंट अगर आपको कहीं भी कराना है, चाहे आप MySQL में कराइए, चाहे SQL सर्वर में कराइए, कहीं पर भी आप कराना चाहें तो आसानी से करा सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट के दौरान आपको ऑटो इंक्रीमेंट लिखना पड़ेगा, तभी ये होगा, ठीक है। देखिए ये चीज आप MySQL में भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर MySQL पर भी आपको दिखा देता हूँ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो देखिए ये MySQL ओपन किया हमने, यहाँ पे गए और अब मान लीजिए कि किसी एक डेटाबेस को हम चूज करेंगे, जैसे तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके से कुछ मैंने लिख दिया है और यहाँ पर मैंने प्राइमरी की भी कर दिया और इसको मैंने चलाया है। तो ये देखिए यहाँ से ये चलाते ही ये देखिए यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ये ऑलरेडी चल चुका है। तो यहाँ पर इसका रिजल्ट क्या आया वो दिखाता हूँ। तो यहाँ पर DESC कमांड चलाएंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे DESC, ठीक है। तो हमें ये दिखेगा कि इसमें क्या क्या चीजें आई है, ठीक है, जो भी डेटा टाइप इसमें हमने दिए थे वो आए हैं कि नहीं आए हैं, इसके लिए DESC चला करके और यहाँ माई टेबल वन जो भी टेबल का नाम है उसी नाम से हम यहाँ पे दे देते हैं, माई टेबल वन है शायद, तो ये वन कर देते हैं और यहाँ टर्मिनेशन देंगे। और जब इसको चलाएंगे यहाँ पे देखिए इसको मैं चला रहा हूँ, तो ये चलाने पे देखिए ये बता रहा है और ये ऑटो इंक्रीमेंट भी है। यहाँ पे देख सकते हैं रोल नंबर में आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट भी शो हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।